राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में जिला कलेक्टर द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ते हुए सोशल डिस्टेंसिंग अति अनिवार्य है, इसलिए पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई। साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी निर्देशित किया गया। बाजारों में भीड़ भाड़ न लगे इसी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने 11 पर लगने वाले गन्ने के बाजार को मेले ग्राउंड में शिफ्ट किया, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। मगर देखने में आया कि जनता द्वारा कोरोना केस इन महामारी को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मार्केट सबके लिए बराबर होना चाहिए, सभी के लिए बराबर है। अगर आधी दुकान यहाँ लगी तो बाकी की भी यहीं लगनी चाहिए। वहाँ रोड पर दुकानें लगानी है कुछ लोगों ने, कुछ दुकानें मेन मार्केट में भी लग रही हैं। मेन मार्केट में तो ये गलत बात है, नगर पालिका को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। पहले नंबर तो जब ग्राउंड यहाँ है सबके लिए दुकानें यहाँ दी गई हैं, तो फिर दुकानें भी यहीं होना चाहिए सभी की। अच्छा, पूर्व में प्रशासन ने व्यवस्था करी थी हाट बाजार की यहाँ पे, तो उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें क्या है कि पहले सभी की दुकान यहीं पे थी, और अब की बार कुछ मेन मार्केट में दे दी सबकी दुकान, कुछ मेन रोड पे दे दी है पास में ही, और कुछ दुकानें यहाँ पे हैं। अगर एक जगह लगे तो धंधा चले सबका। हाँ, तो एक जगह लगेगा चलेगी तो सबका धंधा होगा ही सर। किसी का करना इतना रखा ही है, अभी बिका नहीं है। चलो, भाड़ा भी नहीं निकलेगा। अबे भाड़ा माड़ा कहाँ से निकलेगा जब बिका ही नहीं है गन्ना, तो फिर भाड़ा कहाँ से निकलेगा? वो दुकानें लगती है, अगर कस्टमर यहाँ आएगा, कस्टमर तो क्या आ रहा है लेकिन वहीं से रिटर्न हो रहा है ना, तो कहाँ से गन्ना बिकेगा हमारा? व्यवस्था हमें नज़र आई है, कहीं दुकानें कहाँ लगा दी, आधी कहाँ लगा दी, इसमें आप क्या कहेंगे? उसकी वजह से आपको भी दिक्कत आती होगी व्यवस्था करने में। अब नगर पालिका का जो हमला है, अब वो भी भ्रमण कर रहा होगा, तो उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। मेरे को गाइडलाइन नहीं है, मतलब बाजार लगाने की, जैसे आधा गन्ने की जो दुकानें लगाई पूरी सड़क पर लग रही है अब्दुल लाला पे, तो ये जब उनको पूरा मेला ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है अपना, तो उससे यातायात व्यवस्था भी बाधित हो रही है। अब आप कहाँ तक करेंगे? नहीं, व्यवस्था के बारे में हमने सीओ साहब से बात करी, उनको बोला भी है कि व्यवस्था जमाई जाए, जिसमें मतलब लोगों को असुविधा ना हो। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।